अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। की हाल चाल सब ठीक ठाक है? आप सबने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि साकिब जो हमारे घर लकड़ी का काम करके गया, उसने हमें धमकियां दी हैं कि जब आप साइकिल टूर पे जाएंगे मैं आपको मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मतलब चाहे ऐसे ही धमकियां, हमें तो पता है ना उसका, जो हमें छोड़ रहा है वो, तो उनके खिलाफ ना हम लोग दरख्वास्त देने जा रहे हैं। बाकी ये है कि अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। चले बाद में हम लोग जो कुछ करेंगे वो तो गलत चीज है ना, अगर वो पहले अगर वो रस्ते में हमें रोकता भी है तो क्यों रोकता है, आप लोग समझते हैं। तो बाकी कोई मसला नहीं, अगर रोकेगा चलो वो तो फिर बाद में देखी जाएगी ना, वो तो हम लोग रेडी हैं। तो हम लोग जाएंगे भी साइकिल टूर पे, देखेंगे फिर क्या बनता। फिर कह रहा हूँ अल्लाह से डरना चाहिए, किसी बंदे से नहीं डरना चाहिए। जिंदगी में अल्लाह पाक ने लिखी है, जो हुआ वो होने होना है। तो बाकी फिलहाल हम लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए हम लोग पहले कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि कल को अगर कोई मसला बनता है या कुछ भी होता है तो पुलिस को सबको पता हो कि हम लोगों ने दरख्वास्त दी हुई है। तो अब हम लोग अपने गांव से निकल रहे हैं, तो अब सीधा जाएंगे हम लोग पुलिस स्टेशन, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या बनता है क्या नहीं बनता। जो भी बनेगा आपको मैं बताऊंगा। जी हम लोग थाने पहुँच गए हैं, अभी यहाँ पर गाड़ी खिलाते हैं और फिर चलते हैं अंदर। हमें थाना लगता है सबजपुर मोड़, और हम लोग सबजपुर मोड़ थाना में आए हैं, और इस थाना के अमला ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, और माशाल्लाह मज़ा आया इनसे बातचीत करके। इनका इन्होंने जो हमें समझाया है, उसके अलावा जो हमें बातें बताई हैं, तो माशाल्लाह दिल खुश हो गया इधर आके। ठीक है, शुक्रिया भाई, इंशाल्लाह जिंदगी रही करूँगा। चलें जी, थाने से हम लोग हो आए हैं, दरख्वास्त दे दी है, जो भी हमारे साथ मामला तो हुए हैं, जो भी हुआ सब कुछ, तो बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। तो अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या बनता है, हैं भाई। बाकी थाने वालों ने हमारे साथ अच्छा तावन किया, यही होता है ना कि इज्जत मेन चीज होती है, इज्जत। माशाल्लाह गए हैं, उन्होंने इज्जत दी है, बैठे हैं, सलाम ली, अच्छी तरह बात सुनी है, सब कुछ ओके किया है। बाकी जो कानूनी कार्रवाई है वो फिर जैसे जैसे होगी हम लोग आपको बताएंगे। और अभी फिलहाल हम लोग घर जा रहे हैं, जाके ब्याह भी खाना है। अबू जान को यार थोड़ी सी टेंशन थी, मैंने कहा चले अगर दरख्वास्त दे दें तो अबू जान की थोड़ी सी टेंशन दूर हो जाएगी। अबू जी नहीं डरना कल ही यार, टेंशन वाकई दूर हो गई, जिस तरह पुलिस ने तावर किया ना मजा आ गया। पुलिस स्टेशन जाने तो डर लगता ही, बरल होने नहीं, ले जी फाइनली हम लोग अपने घर में पहुंच गए हैं। वो रहा हमारा घर, आज दूसरे रास्ते पे ना काम चल रहा है, तो उस वजह से हम लोग इस रास्ते से आ रहे हैं, पहले गए भी इसी रास्ते से थे। आंदे आंदे जुम्मा पढ़ने भी जाना है। जुमा पढ़ने के बाद ना अब हम लोग आए हैं पर्चियां लेने। ये हम लोगों ने पर्चियां ली हैं, मेरा दोस्त है जो रेहान, उसके भाई की शादी है, तो उसमें मुझे और अजाफा को बुलाया हुआ उसने, तो उधर हम लोगों ने पैसे फेंकने हैं, तो मैं और अजाफा जाएंगे ये पर्चियां लेकर। बाकी उसने किसी जबल को नहीं बुलाया, बस दो अच्छे बच्चों को बुलाया मुझे और अजाफा को। तो लेकर तो फिर चलते हैं, जाके शादी अटेंड करते हैं। रखे जरा पर्चियां, पैसा नहा दो के न्यू कपड़े पहन के रेडी हो गए शादी में जाने के लिए, और बारात भी निकल पड़ी है, तो अभी चलते हैं जाके बारात के साथ रलते हैं और फिर बूटियां चूकते हैं आज इंशाल्लाह। तो अभी अब जान रानी को निकालने लगे हैं। अब जी निकाले, ये रानी हमारी बाहर निकल गई है जी, माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया कुत्तियां नहीं टोली अगे की करन दी है भाई, ये बरात निकलने लगी है जी, फॉर्चुनर पे बरात जाएगी हमारे हाफ साहब की, माशाल्लाह कट आवे अपने पैसे भी थोड़े ज्यादा दसी असि भी आए हैं। सुना बेटी हो रेहान, अज नवा सूट पाया थोड़ी ना पै गया। अस्सलाम वालेकुम जानू, ठीक ठाक है? झाड़ी झाड़ी गड्डी लैके आया, अज तेरे भरा का ब्याह अज ना लेना है, अरे अजकल तू कुछ करते। ये रही बरात वाली फॉर्चुनर सियालकोट जांच खाने, बोटी होनी कुकड़ी साड़ी वीडियो अच्छी होना चाहिए, कैमरा आनी बिल्कुल ठीक ठाक, बाकी बात है
बिल्कुल पक्की बात है। चले चले जी। और इधर हमारे साथ हमाद भाई भी आ गए जी। माशाल्लाह वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक माशाल्लाह। एवी हाफिज जी भाई ना तो अभी तो हाफ साहब ने हमें बताया बहुत लेट था, हमें पर्चियां नहीं मिली, किंगरा से जाके लेकर आए हैं, बस ये पर्चियां मिली थी। अभी हमारा प्लान और पर्चियां लेने का था, मेरे दोस्त के भाई हैं तो एक बार मजा आ जाना था, लेकिन कुछ दिन पहले बता देते ना तो फिर था। ईद के दिनों में हमें पर्चियां नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, जितनी मिली है चलो इससे भी राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह मेरे दोस्त, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। हम लोग सियालकोट मरझाल में पहुंच गए हैं। ये रहा मरझाल, हम साहब भरे हो तुम सारा मैं चाहवा कि बंद बंद ना कर दो। पिंडों चाहिए सी कोई जाने भी ना लैने चुगण आले जफा आपने चुकी जाइए फिर और बाकी सारे आवाम रोटी का इंतजार कर रही है। लो जी बेद आ गई जी। भैया रोटी आ गई है और अब हम लोग चुकने लगे हैं काटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया इधर कट्टे के अलावा ना मीठे चावल नान और गुड़ वाले चावल भी हैं, लेकिन हम लोग ने सिर्फ कट्टा खाया, फुल पेट भर गया। अब बस क्या साहब असि हम चले हैं साहब। शुक्रिया, थैंक यू, इंशाल्लाह। शादी अटेंड कर लिया, मजा आ गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापिस। 8:30 हो गए हैं और हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं जी। माशाल्लाह हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। लटे ही बालियां बालना मैं तेरा जाके पता लगे पिंडू का घर है। हम भाई आम दियो सही आई नु कट थोड़ी जी, सही है बस फिर क्यों दे सीधी बस ओके। घर हम लोग पहुंच गए हैं और इधर सहेब भी आ गया फटाफट से। अस्सलाम वालेकुम। सहेब सुबह सुबह आके ना मुझसे मिला था जब मैं सोया हुआ था, उसके बाद ये सारा दिन मुझे मिला ही नहीं। जब मैं घर आता था ये बाहर होता था, जब मैं बाहर होता था तब ये घर आया। और सुनाओ फिर कैसा रहा टूर? सब ठीक ठाक गुजर गया। तो तुम ईद मुबारक। हो खैर मुबारक। ईद ही ना लेना ही ना तो है ईद चले वापस कर मुंह लभन लभन डेरा ला ने ना तो ये था जी हमारा आज का मजा। सब लोग अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वो लोग कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।